सो बिफोर वी मूव टू आवर वीडियो, आपको मैं अनअकैडमी प्लस पे अपने आने वाले कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी पर मेरा नया कोर्स चल रहा है 1 जून से 30 जून तक। इसमें हम लोग कंप्लीट इंग्लिश डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस होगा, ठीक है। 8 बजे इसमें क्लास हो रही है हमारी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच है हमारा, जो कि 2 जून से 30 जून तक चलेगा, आप 16 जून तक चलेगा, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग इडियम्स और वन वर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं, दोपहर के 3 बजे इसमें हमारी क्लास होती है। इसके अलावा अगर आप एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ना चाहते हैं तो 16 जून से नया बैच हमारा शुरू हो रहा है, 17 जून से, ये दोपहर के 3 बजे होगा और इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेरे बैचेस हो गए। इसके अलावा अगर आप मेरी डेली फ्री क्लास, ये एकदम फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप दोपहर के 1 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, इसके अलावा इंग्लिश का मॉक टेस्ट 5 बजे होता है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे कि टीम फोनिक्स बैच है 9 जून से शुरू है, सीटी ब्रह्मास्त्र बैच है 9 जून से शुरू है, संकल्प 1000 बैच है 9 जून से शुरू है, इसके अलावा आपका सफलता बैच है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 9 जून से शुरू है, आखिरी पड़ाव बैच है सीजीएल 2020 एग्जाम के लिए, जीडी बैच है, एमटीएस के लिए बैच है, स्टेनोग्राफर सीपीओ सभी एग्जाम्स के लिए बैच है। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, और 5850 में मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग कोड AMANT। बैंक और एसएससी और रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिर्फ 6660 में मिल जाएगा दोनों का सब्सक्रिप्शन, यानी 70% ऑफ चल रहा है रेलवे पे। अगर आप बैंक और एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, 9180 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप बैंक, एसएससी, आरबीआई और रेलवे चारों एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 14,395 रुपए में सभी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा कोड AMANT का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो आपको स्क्रॉल में नीचे दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं 8299117042। अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका है, आप एसएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए। हर संडे दोपहर 12 बजे कॉम्बैट होता है, जिसमें अगर आप 1 से 3rd तक रैंक आती है तो आपको फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलता है। 4 to 10 रैंक पे 4 to 10 रैंक पे 75% ऑफ मिलता है, 11 to 50 पे 50% ऑफ मिलता है, और 51 to 500 पे 25% ऑफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको वीडियो की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक, सारी चीजें मेरी जो भी अपडेट्स होते हैं वही मिलते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं रील्स से आपको काफी वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ, तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, रील्स इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको रील्स मिल जाएंगी, ठीक है, वोकैबुलरी से रिलेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम किसी इंटरव्यू या किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उसने तैयारी करी और अगर वो जॉब में है तो कैसी उनका जॉब एक्सपीरियंस है। तो आज के वीडियो में हमारे साथ हैं भाव्या मोहन, एंड शी हैज बीन सेलेक्टेड एज AO इन फ्रॉम द एग्जाम सीजीएल 2018। ये सीजीएल 2018 से AO की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई है, and she has got pretty good score in AO, and overall score bhi inka kafi acha tha. Inki AO mein 192 rank hai, and she scored 188 marks in tier 1, 132 marks in maths in tier 2, 191 marks in English in tier 2, 70 marks in tier 3, and 87 marks in the paper 4, yani AO mein 87. So total inke 668 marks the, including AO. ठीक है, तो ये AO की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई है वहां से, और कैसी इनकी जर्नी रही और क्या कुछ इन्होंने तैयारी करी, इस सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, मैं भाव्या के बारे में कुछ और खास बातें जो आपको बता दूं, जो इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं भी कैंडिडेट था, मैंने भी तैयारी करी थी, आपने भी करी होगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप भी कर रहे हैं। लेकिन भाव्या के बारे में खास क्या है, क्यों शी इज अ यूनिक कैंडिडेट? पहली बात तो इनके साथ इनको जो यूनिक बनाती है वो ये है कि शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास साउथ इंडिया से बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम, मतलब शी इज द ओनली स्टूडेंट आई हैव जो अभी भी कनेक्ट में है, मेरे से कनेक्टेड है। बाकी स्टूडेंट मुझे मिले भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा आंध्र प्रदेश से मिले हैं, उसके अलावा आई हैवंट मेट एनी स्टूडेंट, जस्ट रिसेंटली आई मेट अ स्टूडेंट फ्रॉम केरला, वन मोर स्टूडेंट फ्रॉम केरला।
एंड द प्रॉब्लम देयर इज दैट लैंग्वेज बैरियर होता है, इस वजह से शायद वो लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा पढ़ाता हूँ, पढ़ाता इंग्लिश हूँ लेकिन पढ़ाता हिंदी में ही हूँ, इस वजह से वो शायद नहीं कनेक्ट हो पाते। दूसरा, शायद साउथ इंडिया में उतना तैयारी नहीं होती, सो एक तो ये इनको खास बनाती है। दूसरी बात जो इन्हें खास बनाती है कि शी वॉज अ वर्किंग कैंडिडेट, शी वॉज वर्किंग इन एज अ पीओ इन अ बैंक and still she was preparing for this examination, so this also makes her unique that job ke sath sath inhone taiyari kari. Third thing which is unique about her is that she is a married candidate and she has two kids as well, so while she was preparing she were having kids, so how difficult it was, how challenging it was ki unke kids the, unko ghar bhi sambhalna hai, job bhi karna hai, बच्चों को भी देखना है और उसके बाद तैयारी भी करना और इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकालना है, और उन्होंने एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ निकाला। तो कैसे ये सब चीजें मैनेज की, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे भाव्या से। सो हेलो भाव्या, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, सो भाव्या आपकी हम शुरू से शुरू करेंगे, आप केरला से हो, ठीक है? केरला में आप कहां से हो? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट सर। कोल्लम, okay, I don't know where the Kollam is, perhaps it's somewhere near the capital. It is near Trivandrum, capital city. But one thing I know about Kerala is that Kerala is very beautiful, and I can see it in the background as well. That Kerala is full of the coconut trees and greenery, sir. Greenery, yes. So it looks like a really heaven nowadays on earth. ओके, सो आप केरला से हो, आपने ग्रेजुएशन आपने किया हो, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? BSc Forestry sir. Okay, you did BSc Forestry. It's something unique. We don't have it in North India. I haven't heard about it. Maybe there are courses in some colleges, but it's not so common here. So BSc Forestry आपने किया है, and when did you complete your graduation? 2010 June पे complete किया. 2010 June में आपने graduation complete किया है. So okay, and I did my intermediate in 2012. So you are much older. All right. So आपने 2010 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी किया आपने, उसके बाद आपने मतलब पहला तो मेरा ये सवाल है यार कि ये बताइए साउथ इंडिया में लोग एसएससी के बारे में तैयारी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ और मैंने नहीं देखा है कि वहाँ के लोग तैयारी करते हैं। ज्यादातर तो बीएससी शायद बीटेक वगैरह करते हैं और आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो क्या वहाँ पे ट्रेंड है या आप ही यूनिक थे? अभी ट्रेंड चल रहा है सर, लेकिन उस समय कोई भी नहीं पढ़ता था ये एसएससी वाले। ओके, I think most of the मैं व्यूअर्स को एक चीज ये बताना चाहूंगा कि बिकॉज़ भाव्या इज फ्रॉम केरला एंड हर नेटिव लैंग्वेज इज मलयालम, ऑलराइट, सो शी नोस मलयालम बेटर देन ऑब्वियसली बेटर देन मी मतलब और शी नोस मलयालम बेटर देन हिंदी और इंग्लिश, सो I'm not saying that she will speak Malayalam in the video because I am not able to make subtitles for it and it's not Family Man season 3. So obviously she will be speaking in Hindi and English. All right. थोड़ा सा आपको bear करना पड़ेगा, cope up करना पड़ेगा क्योंकि she is from some South Indian state and I'm really very happy to have a South Indian candidate on my channel. तो आपको थोड़ा सा आपको bear करना पड़ेगा कि if she is speaking in English, just bear with it. And अगर आपको मुझे ऐसा कुछ लगेगा जो ऐसी बात इन्होंने कही जो आपको नहीं समझ आ रही, I will explain it in Hindi. All right, so Bhavya, speak in the language in whichever language you are comfortable. ठीक है? So okay. You can move on. So I was talking. I can mix both. Since I am sorry to the viewers. No problem. You should. My Hindi. Not be sorry. There is no compulsion to learn Hindi in the country, and we have many languages in the country and I respect all the languages. All right. So I'm not that kind of person that you don't know Hindi. So you should be sorry. You should never be sorry about it. Don't be sorry. Okay. Just be proud of whatever the language you know. Okay. Just be proud. Okay, don't be sorry. Please do not repeat it again because I will be offended. Okay, sir. Yes. Okay, sir. Here, most of the people are preparing for state PSC exam. That's the main relevant exam here. Yes. So if one get posted in the state government, they are so happy. That's the kind of thing, especially in Kerala and South India also, I think. Okay, so that is the thing happening here. Means most of the people prepare for PSC examination. So yeah, state PSC and UPSC also. If the aspirants are more brilliant, they prepare for UPSC only. Okay. SSC is very less, but now it's a trend now. But is the state PSC is good? Is PSC good there? Because it's not good here. Means the UP PSC takes exam today and gives exam maybe
इन द नेक्स्ट ईयर ऑन द मे बी द नेक्स्ट आफ्टर द नेक्स्ट ईयर. तो ये इधर बहुत होता है. तो इज देयर स्टेट पीएससी गुड देयर? नो नो नो, स्टेट पीएससी इज गुड हियर सर. Mostly after the notification, within 1 or 2 years, we get poster also. We get the joining. That's it's much faster. From 2010, especially, it is much more faster. Okay, that's really great. That's really great because I'm really happy to hear about a state which has a very good functioning recruitment body. That's really, I'm glad to know about it. Okay, so how you landed up here means how you started preparing for bank first and the later SSC. So what made you prepare for bank examinations? Okay, you came okay, to so the bank exam I heard when I was second year in BSc, my graduation program. One of my seniors told me that there's some we can apply for, the bank exams are open. So I started preparing during my graduation itself. There was not the thorough preparation. I just did the exams, how the exams are taking place. So I did some, that time there was no online exam. It was completely offline, the bubbling work. And after my graduation 2010, June, I completed. Uske baad maine ek bank joining center pe join kiya. Just 2-3 months I trained there. Uske baad maine khud pad liya. Wo 2-3 months training. उसके बाद मैं मुझे 2-3 banks I got. Bank of India, Syndicate Bank, 2-3 banks I got, and I choose Kerala Grameen Bank since I know that it is having branches only in Kerala. Yeah. So I can be here. That's why I choose Grameen Bank exam. IBPS was not there till I joining. IBPS made in 2014 perhaps. 11 sir, 11. 2011 September में फर्स्ट एग्जाम आया. मैंने वो अपीयर किया लेकिन अक्टूबर पे मैं ज्वाइन किया बैंक पे एज अ पीओ. तो यू ओके यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन 2010 एंड लेटर यू प्रिपेयर्ड फॉर बैंक एग्जामिनेशन. उस समय तक ऑफलाइन होते थे 2010 में. फिर आपने 2010 में एग्जाम दिया और 2011 में आपकी पोस्टिंग हो गई. ठीक है, तो आप 2011 में आप प्रिपेयर कंप्लीट हो गए तो आपकी नौकरी लग गई. फिर आप ये स्ट्रगल करने के बारे में क्यों सोचा फिर से पढ़ाई में और फिर से वही कंपटीशन और सो बिफोर जॉइनिंग बैंक इटसेल्फ आई न्यू दैट आई वाज नॉट गोइंग टू कंप्लीट माय करियर इन बैंक. आई वाज थिंकिंग दैट बिफोर माय प्रोबेशनरी पीरियड दैट इज 2 years आई एम गोइंग टू रिजाइन एंड जॉइन सम अदर एग्जाम. सो बैंक के साथ मैंने प्रिपेयर करना ऐसा था मेरे मन में लेकिन वो प्रिपेयर नहीं कर पाया. और 2014 में मेरा मैरिज हुआ एंड 2015 पे आई गॉट माय फर्स्ट बेबी एंड आई गॉट अ ट्रांसफर लेटर इमीडिएटली आफ्टर माय फर्स्ट बेबी. दैट वाज द सडन थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम एंड फॉर माय मे बी फॉर लकी 2016 SSC एग्जाम का नोटिफिकेशन उस टाइम पे आया था. 2015 दिसंबर पे मैंने खुद अप्लाई किया और प्रिपेयर स्टार्ट किया. 2016 तक आप बैंक में नौकरी कर रहे थे? हाँ. तो 3 साल आप 4-5 तो 11 से 16 5 years you did 5 years okay so yeah actually I did 6 years but 1 year was on leave. Okay, 1 year was on leave. But 5 years is a very long time. Means, आप वहाँ पर PO थे, you must have got promoted there. Maybe because I'm a much devoted person. Whatever I'm doing, I'm a complete devotee. So when I was doing my bank job also, I was completely researching the how to improve my work in bank. That was my research at that time. I didn't think of anything else. You must have got promoted there, na? Yeah, I didn't apply. You didn't apply for promotion? No. Okay. All right. So you just from 2011, just cut to 2016. 2016, you got SSC notification and you got to know about SSC. And how did you get to know about SSC? And then how did you start your preparation? Sir, abhi maine bataya tha. Maine wo call aaya tha aur I was so sad. Here mein transfer. So I searched a lot. Then I got to know that this SSC notification has released. Apply kiya. Wo maine padhna shuru kiya lekin mujhe kuch nahi pata tha. Us time YouTube aur Unacademy kisme ye
डाटा नहीं अवेलेबल था, ऐसा कुछ मोटिवेटिंग स्टोरीज कुछ नहीं था. हाँ, अनअकैडमी भी स्टार्ट जस्ट यूपीएससी पे कुछ कुछ वीडियो था, फ्री वीडियो. हाँ, रोमन सर के वजह से मैंने देखा वो, लेकिन वो उस समय मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला उसी से. और आफ्टर दैट 5 to 6 months आई ट्राई टू स्टडी इन एट होम बिकॉज आई वॉज हैविंग माई बेबी, फर्स्ट बेबी इट वॉज. एंड फॉर माई इट वॉज लकी दैट द एग्जाम गॉट पोस्टपोन दैट टाइम. 2016 एग्जाम मई पे होना था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया, डेट भी नहीं अनाउंस किया. तो जून पे मैंने एक कोचिंग सेंटर, वो छोटा सा एक कोचिंग सेंटर, उस पर ज्वाइन किया. आई गॉट सम बेसिक्स अबाउट दिस एग्जाम एंड प्रिपेयर. आई जस्ट क्लियर द कट ऑफ फॉर द टायर वन एग्जाम एट दैट टाइम 2016 SSC. एंड टायर टू ऑल्सो आई प्रिपेयर विद दैट इंस्टीट्यूट ओनली. दैट वॉज ऑल्सो जस्ट कट ऑफ क्लियरिंग. I was not getting this that much margin from the cutoff. I think that was the failure that had happened in 2016. I was not getting much guidance. But the institute was good. I'm not telling anything bad about it. They have only given me some basics about it. And after tier 2, I rejoined the bank. And tier 3, मैंने खुद prepare किया, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया. Just watch some videos. And 2016 notification came, you took leave from the bank and you started preparing for SSC, and later you got matlab kuch time mil gaya ki I remember, because maine 2016 ka ek exam clear kiya hai. To wo mai mein hona tha, fir wo august mein postpone hua, and aapne preparation ke liye coaching kiya institute mein, and wahan pe kuch khas utna samajh nahi aaya, to aapne fir आपने एग्जाम दिया, और एग्जाम में आपके 137 मार्क्स ही आए थे, क्योंकि 137 ही कट ऑफ था. ओके, आई गॉट 159. ओके, एंड सो ऑलराइट. तो आपका फिर तो 2016 तो चला गया, फिर आपने दोबारा से बैंक ज्वाइन कर लिया. हां, 2016 वो टाइप 2 एग्जाम दिसंबर पे था, नवंबर एंड और दिसंबर. क्या होगा सर, ट्रांसफर्ड पोस्टिंग मिल गया होगा जहां पे चेंज हुआ था. हां हां, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग अराउंड द सिटी. I was not in a single branch, I was working in several branches, each week each branch. That was the it was a nightmare. Okay, okay, all right. ठीक है, तो आपने 2016, फिर आप 2017 का एग्जाम दिया. 17 एग्जाम मैंने दिया, लेकिन I didn't prepare because after the result of 16 exam I resigned in the result came on 2017 August. अगस्त 4 पे रिजल्ट आया था, और 11 पे मैंने रिसेंट किया, और 20 पे एग्जाम स्टार्ट हुआ. तो आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग, आई वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज इन अ डिलेमा एक्चुअली व्हाट टू डू. ऑलरेडी रिसेंट पर मैं मुझे पता था कि मुझे कुछ था मेरे पास, आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ. दैट वॉज अ कॉन्फिडेंस इन मी. Because with all this, I could prepare first time after 5 years of break from studies, I could prepare myself in the stage after a delivery. That was a difficult process actually. By 2017, you had 2 kids. No, 2017 November 2017 pe ek kid tha. Uske baad while preparing for 2017, I got pregnant. And I was not able to prepare for the 2017 exam. I completely avoided it. Just appeared the exam only. I didn't prepare anything. Then 2018 came. So then, by 2018, so when did you start preparing seriously for 2018 exam? 2018 exam, I think notification came on May, but exam got postponed. The date was extended, and I was pregnant that time, as I told. तो 2018 अगस्त पे मेरा सेकेंड बेबी आ गया, और सितंबर पे मैंने सही प्रिपरेशन स्टार्ट किया खुद से ही. कोई कोच नहीं गया बिकॉज आई वॉज अ स्मॉल बेबी एट होम. सो इन बिटवीन दिस 2017 एंड 18, आई टोल्ड यू ना, मैंने नहीं प्रिपेयर किया 2017 को, लेकिन मुझे टच नहीं, आई वॉज नॉट लूजिंग माई टच. I was trying to continuously in the stream. I was
listening to this Unacademy free lectures was there at that time. It was the only source. So I was listening to this free lectures, all subjects, GK, English, maths. I was listening to all, but I was not doing anything by myself. Just listening to this to be in touch with the stream. So 2018 September pe maine khud laptop uthaya, study shuru kiya. That was a start. Unacademy se hi kiya. Aur kuch nahi mera source tha completely. So आप 2018 में सितंबर में आपने Unacademy ज्वाइन किया था, तो शायद आपने पेड कोर्सेज जो उस टाइम पे चलते थे महंगे महंगे, हाँ आपके एक कोर्स लिया था 3600 का शायद कोर्स था मेरा, वो खरीदा था शायद। हाँ। मैंने इंग्लिश लिया, जीके लिया, बहुत सारे कोर्सेज, बिकॉज़ सिंगल कोर्स यूज्ड टू कॉस्ट एट लीस्ट 4000। हां सर, हां सर, 4600। मैंने जीके भी वरुण अवस्थी सर का एक फर्स्ट कोर्स और आपका, वो दोनों मैंने परचेस किया। दैट वाज अ स्टार्टिंग ऑफ माय प्रिपरेशन। यू अंडरस्टैंड हिंदी, बट आई गॉट द प्राइस बैक फ्रॉम वरुण अवस्थी सर सिंस आई हैड क्लियर माय फर्स्ट अपीयर ऑन क्यूस एट दैट टाइम देयर वाज स्कॉलरशिप। ओके ओके, व्हाट मींस व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट यू अंडरस्टैंड हिंदी सो वेल, वी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम अस, सो हाउ इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? I don't know. I was quality that you took Hindi as a third language in your school, na? Yeah, school till 10th it was a compulsory subject, and for plus 2 I took Hindi as my second language. That is the reason. I was good in because I was a backbencher. I was not much attentive in class, but I used to read and writing the exam. I was getting that skill. I don't know, maybe. Okay, so आपने 2018 में seriously prepare करना शुरू किया था, and by then you were working in bank also. What? Which time, sir? Bank में काम कर रहे थे 2018 में आप जब तैयारी करना शुरू किया? No sir, no. 2017 वो August पे ही मैंने छोड़ दिया. Resign from the bank. For the prepare. हाँ. Okay. So now let's talk about our preparation. How you prepared? पहली बात तो ये है कि you had kids and one of them was very young, क्योंकि आपने बताया 2018 अगस्त में ही you had that second baby, and I think जो पहली बेबी आपकी शायद वो बेटी है, वो भी काफी छोटी रही होगी. What are the names of them? Just tell the names. So can I call them? Okay. Elder one Shriya, daughter. Shriya. And younger baby is Srived. Srived. Yeah. Okay. Shriya and Srived. तो Shriya भी छोटी रही होगी और Srived तो बहुत ही छोटे रहेंगे. तो फिर आप कैसे तैयार करते थे? क्योंकि आपने मान लीजिए जॉब छोड़ भी दिया, फिर भी घर में बहुत काम होते हैं. तो how you used to manage your time? कैसे आप time निकालते थे? और मतलब I'm very honest about it that मुझे वो सोच के भी बहुत मुश्किल लगता है कि दो बच्चों को संभालना, घर संभालना और उसके बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है. कैसे आप करते थे? सेप्टेम्बर में जब मैंने शुरू किया था उस समय आई वॉज एक्चुअली मेंट टू बी एंड अ बेड रेस्ट फॉर 3 months. सो आई यूज टू टुक माई लैपटॉप एंड आई यूज टू वॉच दिस वीडियोज वाइल लाइंग इन द बेड इटसेल्फ थ्रू फोन और थ्रू लैपटॉप एवरीथिंग. सो टिल सेप्टेम्बर एंड आई वॉज डूइंग दैट ओनली. सो नो वन वुड बी आस्किंग मी फॉर एनी जॉब और एनीथिंग. मेरी बेटी भी मेरे पास रखती और कुछ स्टडी करते. शी वॉन्ट टू बी विथ मी, दैट्स द ओनली थिंग शी वॉन्ट. शी वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग दैट विल अफेक्ट माई स्टडीज. शी इज वेरी मच कोऑपरेटिव किड, आई शुड से वेरी मच कोऑपरेटिव दैन माई यंगर वन एक्चुअली. बिकॉज नाउ ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू स्टडी शी विल अलाउ मी टू स्टडी. ओके Amma, you go and study. I will take care of Srived. She will say like that. That much a good kid she is. And after that, I was in my home, in my own home, with my parents. My mother know how it is difficult for me to prepare. So she was actually taking good care of my daughter, because she is the one actually would be missing me during this morning hours.
And Karkagam, I think whatever work I have to do, I used to complete in the morning itself. Before 9 or 10, I used to complete all the work at home and go for study. And I used to shut myself in a room. This is the first story of this house. So I have a room here. I will be close myself shut in that room. And if my daughter needs anything, urgent only, she will come. Otherwise, she won't disturb me for anything. And I used to feed my second baby at that time. He was 2 to 3 months. And whenever he needs my care, my mom would take him to me. And उसे हाथ में रखते ही मैं पढ़ती थी. वो कुछ difficult बात ऐसे कुछ नहीं. It's just your dedication. Yes, it means आप इतना yes, I think. Because I think my daughter, she's just 3 or 4 years and she's allowing me this much to study. So I must dedicate myself. What is the other thing I have to think? मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इसको बहुत आसानी से बता रहे हो क्योंकि आपने ये किया है और शायद आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आप व्यूअर्स को एक चीज बताऊँ कि जो इन्होंने इतना आसानी से बता दिया, इतना आसान है. ठीक है, एक 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 दो साल की बच्ची और एक 2-3 महीने का बेटा, उसको संभालना, साथ में स्टडी करना, मतलब हो सकता है आपको लग रहा हो बड़ा आसान थे. शी वेंट इन अ रूम एंड शी क्लोज्ड हरसेल्फ. जब भी उनकी जब भी बेटे को फीड कराना होता था, शहर मदर यूज्ड टू ब्रिंग हर ब्रिंग हिम टू हर. ये सुनने में आसान लग रहा है, मैंने एक एक लाइन में बता दिया, बट ऑब्वियसली एक तो आप ये सोचिए कि शी हैज ग्रेजुएटेड इन 2010 एंड दिस इज शी टॉकिंग अबाउट इन 2018. So there is an 8 years period and she still got her dedication. So that is really a huge thing. Means it's not been eight years since I graduated. I graduated in 2015 and this is 2021. So mujhe sirf 6 saal hue hain. And I don't think I will have that much kind of dedication till now. So hats off to your dedication. And really, main baaki logon se kahungi, yaar tum socho tumhare paas kuch kaam nahi hai, theek hai. तुम्हारे पास ना घर के काम है, ना तुमको बेटा बेटी संभालने हैं, ना तुमको हस्बैंड संभालने हैं, एंड फिर भी आप जो है आपको ये आप मेरे से पूछते हो कि सर मोटिवेशन कहाँ से आया, टाइम मैनेज कैसे कर. एक ही सवाल है और आप में से कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हो कि यार सर आप सही से जवाब नहीं देते, क्योंकि आप बाबा जानते हो आप, मैं उल्टे सीधे जवाब दे देता हूँ. मेरे से कोई पूछता है कि डेडिकेशन क्या देगा मोटिव, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने करना है तो आप कर लोगे, और जिसे नहीं करना है वो एक्सक्यूजेस ढूंढता रहेगा कि नहीं यार मेरा तो जॉब है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये वो, आप ढूंढते रहिए एक्सक्यूजेस. लेकिन जिसे करना है वो कर लेता है और साथ में ऐसा इंटरव्यू करने के लिए भी आ जाता है. सो दैट्स रियली हैट्स ऑफ योर डेडिकेशन एंड रियली आई एम मेसमराइज. ओके ठीक है, तो दिस इज हाउ यूज टू मैनेज स्टडी. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तैयारी के बारे में, आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया. तो लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स फर्स्ट, हाउ स्टार्टेड प्रिपरेशन. क्योंकि देखो सबसे पहला सवाल ये होता है शुरू कैसे करें. एक बार शुरू हो जाता है तो फिर चीजें समझ आ जाती है. कैसे शुरू किया था मैथ्स? आप बीएससी फॉरेस्ट्री स्टूडेंट थे तो आप बायो साइंस से थे या मैथ साइंस से? मैथ्स से थे. आप ये भी बताओ. मैथ साइंस, प्लस 2 में मैथ साइंस. सो हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स? ओके सर, स्टार्टिंग वो 2016 में मुझे कुछ ऑफलाइन कोचिंग मिला था और उसी से मैथ्स का नोट्स मैंने वहीं से प्रिपेयर किया और दैट वाज द बेसिक मटेरियल फॉर मी. एंड आई यूज्ड टू वॉच अन अकेडमी फ्री लेक्चर्स एट दैट टाइम एंड देयर वाज स्पेशल लाइव क्लासेस, 1 आवर क्लासेस वेयर देयर. सो ड्यूरिंग द फ्री आवर्स आई यूज्ड टू watch every video, every teacher, so that I want to decide who my teacher should be. ऐसे मैंने one or two teachers only maths के लिए, that was only I choose. एक निखिल शर्मा नाम एक सर था, वो basic थोड़ा बताते थे, और एक चेतन मीना. Only two teachers I preferred. एंड टायर वन के लिए मैंने वो बेसिक के लिए भी था, आई वॉज नॉट कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर्स. एंड मैंने खुद से वो किरण से ही प्रैक्टिस किया. दैट वॉज द मेन थिंग आई डिड फॉर मैथ्स. आई थिंक आई एम नॉट बैड इन मैथ्स. सो बेसिकली यू प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम किरण ओनली.
हाँ सर और कुछ नहीं। तो आपने 2016 भी देखा है, आपने 17 भी देखा और 18 भी देखा। सवाल ये आता है, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर तो अब मैथ्स का लेवल बहुत बदल गया है, किरण अब यूजफुल नहीं रह गई है, टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं। आपको भी पता था, आप भी उस बारे में भटक रहे थे कि टफ क्वेश्चंस का क्या होगा, क्योंकि उस समय बहुत हवा चली थी टफ क्वेश्चन लेके। तो वो आप बताइए कि क्या मतलब क्या आपको लगता है कि टफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या किरण अभी भी रिलेवेंट है या नहीं? अभी भी रिलेवेंट है सर। आई थिंक द बेसिक मटेरियल शुड बी प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली, नथिंग अदर शुड कैन रिप्लेस दैट। आई डोंट थिंक सो। In 2017 exam, if you remember, the tier 2 maths was very hard. It was such a small change in pattern happened that time. Questions were so tough. And 2018 after tier 1, there was so much rumors and books came in the name of TCS questions. yes, in the mocks also, TCS based exam. I was actually really scared that time. था लेकिन जब मैंने ये एक कंफ्यूजन टाइम पे हो तो आई वुड रेफर सम गुड टीचर्स ओनली लाइक यू आई थिंक। सो उस समय आपने टायर 2 के लिए एक क्लास स्पेशल क्लास लिया था अनअकैडमी पे, तो आपने वो टाइम मैनेजमेंट मैथ्स के टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक क्लास लिया। I still remember that schedule how we should go. आपने बताया कि at one go we can simply attend 50 questions in 1 hour. That will be too easy if we the questions will be the same kind of tier 1 and tier and the 15 questions less than 15 questions will be the tough ones. Anyway, we are not going to attend the 85 questions. It will be 80 or 85 maximum, I think, as per my perspective. The toppers will be have a different approach, I know. As per my view, it is maximum 90 questions. So 10 questions will be tough, it's obvious. And if we can do the 50 questions in 60 minutes, we have 60 minutes left there for the 35 questions. If we can attend even 30 questions, giving 2 minutes for each question, it is 80 questions and accuracy hote to more than good. That was the theory you gave me and I applied it. Mera confusion ho gaya, chal gaya, I think. You solved Kiran and you followed my advice completely. Yes, yes. Okay, so Kiran helped you a lot and as you said, tier 2 ke liye. I want to tell everyone that sir was not only my teacher, he was my mentor too. Whatever doubts I have, I cleared with sir only. That was the only source for me actually. I didn't search for Google or anything. First I asked the sir only. Okay. मैं भाव भी बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। And let's come to English. ठीक है। English में you scored pretty well. You got 191 marks in English. So how you prepared for English? और कैसे what is the secret behind 190 plus marks? I don't need a secret sir. Tier 1 के before tier 1 I took your course and I wrote the notes proper and I just revised it and as you said mirror and MB, that was the only thing I did and the mocks. No other secrets were there. But vocabulary was very very much hard for me at the start. My grammar was okay, still I was not good for SSC exams. I had studied a lot in grammar with your notes. I referred your notes only, no other books was my source. And then this vocabulary I started from your free lectures. I have completed the phrasal verbs, all the vocabulary videos, whatever you have put on an academy, I watched all those free lectures. And after start during your grammar class, you have started with those root word concept. So it was, I felt too easy to study. Essay padhana to acha hai. Essay vocabulary ka fear chal gaya. And I got good. So
तो बेसिकली यू स्टडीड फ्रॉम मी कंप्लीटली वोकैबुलरी मेरे लेक्चर्स आपने किए ग्रामर मेरे लेक्चर्स एंड एकेडमी वाज द की फॉर मी दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी थैंक यू एंड एकेडमी विल बी वेरी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर इट ओके सो आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए और इंग्लिश के लिए आपने मिरर और एमबी दो बुक्स फॉलो की एंड दोस वर इनफ तो समझ लीजिए आप मतलब मैं बाकी स्टूडेंट से ये कहूंगा आप लोग बहुत भटकते रहते हो अटको नहीं आप अटको ठीक है एक जगह पर अगर आप अटके रहोगे एक जगह पर आप लगे रहोगे तो चीजें बेहतर होती हैं आप चाहे मुझे फॉलो करिए या किसी अदर टीचर को फॉलो करिए बट जस्ट बी श्योर दैट द टीचर इज जेन्युइन और नॉट ठीक है इज गिविंग द जेन्युइन एडवाइस और नॉट देखिए मैं आपको बताऊं एक डॉक्टर होता है कि जो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मीठी मीठी दवा दे और हो सकता है आपको लगे कि बड़ा सही है लेकिन हो सकता है जब मेरे से कोई भी क्लास में पूछता है कि सर आपके क्लास के नोट्स काफी हैं या आपकी क्लास ही काफी है बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी मैं हमेशा कहता हूँ बुक्स पढ़नी पड़ेगी मैंने हमेशा कहा है बुक्स पढ़नी पड़ेगी तो अगर कोई आपको इस तरीके की जेन्युइन एडवाइस दे रहा है जो आप नहीं सुनना चाहते हो वो कह रहा है तो इसका मतलब है कि ही इज गिविंग यू जेन्युइन एडवाइस एंड ही हैज नो सेल्फिश मोटिव बिहाइंड इट तो जस्ट बी श्योर अबाउट द टीचर एंड उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो ठीक है और साथ ही साथ अपने मॉक्स में अपनी पोजीशन को ट्रैक करते रहो दैट विल हेल्प यू ऑलराइट सो वी टॉक्ड अबाउट इंग्लिश नाउ कमिंग टू जीएस व्हाट हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज़ दैट इज अ वेरी एचिलीज डील फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स हाउ यू प्रिपेयर यस सर आई स्कोर 35 इन जीएस GS in 2016 exam I was hardly I think I got 9 marks or 10 marks maximum I didn't get anything more and in 2018 when I started the preparation I used to watch the videos so for GS the main problem was I was not having the basics so mujhe interest nahi aata ye padhne ke liye So first to make my interest, I used to watch UPSC वाले का वो special videos थोड़ा देखा और history और geography इसमें कुछ कुछ basic मुझे मिला ऐसे after got the basics, I started with Lucent. That was only book. I didn't use anything else. No, even the previous Kiran also I didn't do. Just started with Lucent and with the mocks, I used to prepare well with the mocks. I used to analyze well and whatever questions could I get with the mocks, I used to prepare well. We'll talk about mocks in detail. So, okay, so you prepare for with Lucent for GS, yani ki Lucent ko aapne religiously follow kiya and that helped you a lot. Haan, How did you prepare for reasoning? Reasoning sirf mocks se hi kiya sir. Lekin wo type 2 exam ke ek mahine before I got to know that I was not good in this triangle counting and some other parts only. So at that time you bought a course. I think you launched a course, a small one, 12 to 13 lessons only. So I just attended that, only that, mocks and that your lectures only. I didn't do anything else. No books also I bought for reasoning. कि आपने जीएस सारी चीजें बता दी अच्छा टीयर टू में क्या कुछ अप्रोच बदलनी पड़ती है क्या क्या मतलब टीयर टू के जो क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं या टीयर टू के क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं बहुत अलग होते हैं टीयर टू के लिए आपने क्या क्या कुछ अप्रोच बदलना पड़ता है या ऑलमोस्ट सेम रहता है आई डिडंट चेंज द पैटर्न सर बिफोर टाइवान आई कंप्लीटेड माय सिलेबस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग सॉरी मैथ्स एंड इंग्लिश सॉरी एंड आई डिड मॉक्स ओनली फॉर टीयर टू no other extra books, no other extra studies I did. And I couldn't study also from tier 1 to tier 2. That was a big journey for me. In that 3 months, my daughter got sick almost once. Alternate weeks mein, usse tabiyat khara tha. Most time in hospitals mein tha. Those time actually I didn't study well. बहुत बड़ा प्लान बनाया टैटू के लिए ऐसा पढ़ना वैसा पढ़ना लेकिन एक वीक आई विल स्टडी द नेक्स्ट वीक शी विल बी नॉट वेल सो आई शुड बी इन हॉस्पिटल सो दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर माय मैथ्स मार्क्स आल्सो
I couldn't score well in maths. That was because of that only. And English, I got this mark only because of the mocks and the revision. And I didn't study anything extra. I think more practice only needed for Tier 2. Before Tier 1, we should complete the whole syllabus. And after, between the Tier 1 and Tier 2 time, we should leave for practice and mocks only. More revision and practice, that should be only done at that time. And for this AO also, I was thinking to dedicate time once in a week at least for this AO paper, finance paper. But I couldn't do anything at that time. And after the Tier 1, Tier 2 exam, maths and English, I got a day between the finance paper. So I just read a PDF on that day completely. I appeared before the exam and I got 87 only with that PDF only. I have studied only on that day. I think we don't have to spend more time on that. If you're good, we'll get. जो double O का paper था वो आपने एक PDF से ही तैयार किया. हाँ, एक PDF मिला उसी से ही किया. So those who are not appearing for double O, उनको appear करना चाहिए because it's a good exam. अगर आप इस पोस्ट पे मतलब कई बार डबल यू की पोस्ट जो कट ऑफ है वो बाकी पोस्ट थोड़ा सा कम चली जाती है तो इसलिए वो काफी हेल्पफुल रहता है इसलिए ठीक है तो दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर फॉर टीयर 2 मतलब टीयर 2 के लिए भी आपने बेसिकली प्रैक्टिस और मॉक्स किया चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश दोनों के लिए ठीक है टीयर 3 की बात करते हैं हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर टीयर 3 एक्चुअली आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर टीयर 3 मैंने 2016 टायर 3 के लिए भी आई वॉज इन वर्किंग इन बैंक एंड आई प्रिपेयर ओनली फॉर वन वीक टुक सम आई वॉच सम वीडियोस वो उस समय एसएससी पिनाकल आई थिंक यूट्यूब चैनल उसे वो स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चंस पे सेंड करते थे या ऑफ ऐसा कुछ था और उन्होंने एनालिस कहता था वो वीडियो पे ये स्टूडेंट ऐसा लिखा तो ऐसा लिखना था ऐसा एनालिसिस था वो मैंने उस टाइम भी किया इस टाइम भी ऐसा ही किया और कुछ नहीं किया बेसिकली आप इस तरीके से अपने टियर 3 के लिए तैयार किया ओके फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट हैविंग दैट मच टाइम सिंस आफ्टर टियर 2 आई हैव टू लीव टू माय इन-लॉज होम एंड आई वाज देयर सो आई कुडंट प्रिपेयर एनीथिंग एल्स Okay, so we have got everything covered. Now we'll talk about mocks. That how many mocks did you use to give? Like once in a week, twice in a week, and how did you use to analyze them? Okay, for Tier 1, at the starting, I used to give once in 2 weeks only. From I have started from 2018 September, so 2019 June pe exam hona tha. Exam ho gayi. Or till I think 2019 March, I have given once in a week only. Once in a week or once in a 2 week. Once in 2 weeks, that was the frequency. And after from April, I started to give 2 mocks in week minimum. Sometimes more than 2 alternate days. And at the last week, from May 1st itself, I started to give daily mocks. Daily, morning time. That was the time I given. Actually, my slot also was the same. That's good. Luckily. That's a good coincidence. Okay, so how did you analyze them? कैसे analyze करते थे आप? What used to be a pattern? कैसे analyze करते हैं? Starting में it was taking time sir. पर मैंने सभी questions मैंने एक book था उस पे मैंने मैं mocks में ऐसा mark मिला section wise I used to write and total marks. And what was the thing I was lacking that I wrote down is English mein agar vocabulary or comprehension what was the thing I was lacking I used to write there and I used to improve that I used to analyze after a month so what is the common thing I lack in this 4 mocks in that month so that was the analyzing pattern I used to done if in maths what is the main thing it is speed or any particular chapter so I used to concentrate on that chapter or that pattern and that was the analyzing
happen. So basically you used to, you have a copy liya tha, usme aap note karte rehte the kitne marks kisme aa rahe hain, chapter mein aapko abhi bhi problem aa rahi hai, and that way you keep kept track on of track of your preparation, kahan pe dikkat hai kahan pe nahi dikkat hai. Starting pe ek 110 mark tha aur tier 1 exams ke pass 150 plus 160 marks, and you okay mila marks in tier, that's really good. Yes. Got it. Okay, so I think we have talked about everything about preparation. Now we'll talk कि मैं आपसे मतलब मुझे बस ये जानना है कि what kept you moving? क्या आपका motivation है? कैसे हमें अपने आप को motivated रहना चाहिए? देखो, I know that you are very much dedicated towards it, so that's really good. बहुत अच्छी बात है. लेकिन कभी तो ऐसा होता है ना कि यार बड़ी दिक्कतें आ गई, अभी लग रहा है ठीक है यार थर्ड में जाए, अभी नहीं करना कुछ प्रिपरेशन. एंड फिर आपको ये लगता होगा कई बार कि यार अच्छी खासी तो जॉब चल रही थी बैंक में, क्यों छोड़ दी, मतलब ठीक ठाक पैसा आ ही रहा था, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वो कहाँ नहीं होती, सब जगह होती हैं, और अभी बच्चों को भी संभालना है और घर में भी देखना है, लॉस को भी देखना है, प्रिपरेशन भी करनी है, मतलब यू मे जस्ट गेट वेरी पजल एंड वेरी मच वेक्स्ड अबाउट इट. सो हाउ यू मैनेज ऑल दिस8 PM or 9 PM. Minimum 7 PM or 8 PM I used to come. So I won't be able to see my babies, see my kids. So I think I wanted a government exam also. Now everyone knows that banks have been changing from into a corporate world. Pakka corporate it is getting. So I was trying to get away from that. It was not a servicing world. It was changing. That was the thing I was trying to change from bank to government sector, and as it was in my mind too from since I was graduating, it was in my mind that I should get a government exam. So I think why I started this, that was the thing keeping motivated me. Kids should not suffer. If we see from Bhavya's perspective, just remember that why did you start, just print out this paste it on your wherever you study, that why did you start. Aapka sawal for my case, I don't think this motivational or keeps on going was not the problem for me, it was emotional factor only affected me. I was not able to see my kids growing, that was the only thing I was facing when I shut in a room. I didn't think about anything else, so I have to see them. So as much fast I can finish this, I can see them. That was the only thing that keep going on me. So everyone will be thinking that we should prepare for this year's exam and finish this year's itself. So every year they are thinking like that. So isme koi end ho na. क्योंकि बेसिकली वही बात है कि आप दो तीन चीजें अपने आप को देखो, मतलब जैसे भाव्या की बात सुनो, अगर मैं आपसे उनसे पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि हाउ मोटिवेशन वर्क्स, मैं उनसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि क्यों, क्या है मतलब क्या मोटिवेशन है जो उनको रखता है. मुझे पता है कि देखिए कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप अपने आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे. डजंट मैटर कि आप क्या करो, आप अगर खुद से मोटिवेटेड हो अपने आप से, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, ना आपको संदीप माहेश्वरी, ना आपको बिंद्रा जी जो है, कोई विवेक बिंद्रा, किसी की जरूरत नहीं अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या और क्यों का जवाब आपके पास है, तो आप कैसे करना है वो फिगर आउट कर लोगे. लेकिन जब तक आप क्या और क्यों का ही जवाब नहीं है, जस्ट प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि आपका पड़ोसी प्रिपेयर कर रहा है और आजकल हर कोई SSC बैंक की तैयारी कर रहा है, तो फिर आपके आपके आप कैसे कभी फिगर आउट नहीं कर पाओगे. लेकिन जब आप एक्चुअली कोई काम करना चाहते हो तो रास्ता निकल आता है. मतलब सिंपल सी बात है, एक छोटी सी एनालॉजी मैं आपको दूंगा कि भाई अगर कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आप उसका कैसे भी करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेते हो ना, कि भाई कहीं से भी कहाँ रहती है, कौन उसका फ्रेंड है, फेसबुक पे क्या है, इंस्टा आईडी सब निकाल लेते हो. तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कोशिश करोगे तो फिगर आउट कर लोगे. एंड दिस इज हर किड सिया, राइट? सिया, हेलो सिया, हाउ आर यू? हाय, हाय, हेलो, How are you? How are you?
I'm asking how are you? I'm good. Sriya. Ah. All right. Oh my God. Okay. I'm also fine. Where is Shrived? I think she's getting a little bit shy. Yeah. That's completely visible on her face. Okay. All right, Bhavya. So we'll wrap up this. Okay. आपको यहाँ पे जान के अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी भाव्य की जर्नी जान के अच्छा लगा होगा। बेसिकली जो आपका जो जवाब है वो ये है कि आप अपने अपने लिए डेडिकेटेड रहिए। अगर आप डेडिकेटेड होंगे तो आप चीजें बेहतर कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर भाव्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव अ रियली ग्रेट करियर अहेड एंड आई होप योर लाइफ इज मच मच ब्राइटर अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।